गुड मॉर्निंग गाइस, आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर है, पोयम है ये, और इस पोयम का नाम है अनदर चांस, मीन्स एक और अवसर। इस पोयम को लिखने वाली हैं हेलेन स्टेनर राइस। ओके, हमारा फर्स्ट स्टेंजा स्टार्ट होता है, हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स एंड चांस फेलियर इन टू विनिंग। It does not take a new day to make a brand new start. It only takes a deep desire to drive with all our heart. सबसे पहले हम word meaning सीखेंगे इसके कठिन शब्दों का। तो often means होता है अक्सर, और wish means होता है इच्छा करना, another means होता है एक और chance means होता है अवसर, fresh means होता है नई, beginning means होता है शुरुआत, और ब्लॉट आउट मीन्स होता है सुधारना, मिस्टेक्स मीन्स होता है गलतियाँ, फेलियर मीन्स होता है असफलता, विनिंग मीन्स होता है सफलता, जीत बोल सकते हैं, और ब्रांड न्यू मीन्स होता है एकदम नई, और डीप मीन्स होता है गहरी या तीव्र, और डिज़ायर मीन्स होता है इच्छा, और हार्ट मीन्स होता है दिल। ओके, आपने वर्ड मीनिंग सीखा, और अब हम पोयम के अर्थ को समझेंगे, हिंदी अर्थ, ये क्या हमें बताना चाहता है। तो हमने देखा यहाँ फर्स्ट है, हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगनिंग, मीन्स होता है हम अक्सर ये चाहते हैं कि हम नई शुरुआत करें। और लिखा है थर्ड लाइन में, अ चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स एंड चांस फेलियर इन टू विनिंग, मीन्स होता है हमें अपनी गलतियों को सुधारने का और अपनी असफलता को सफलता में बदलने का एक अवसर मिल जाए। नेक्स्ट लाइन है, इट डज नॉट टेक अ न्यू डे टू मेक अ ब्रांड न्यू स्टार्ट, इट ओनली टेक्स अ डीप डिज़ायर टू ट्राई विथ ऑल आवर हार्ट। ओके, इसकी हिंदी मीनिंग होगी जैसे लिखा हुआ, एक नई शुरुआत करने के लिए किसी नए दिन की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए हमें केवल गहरी इच्छा और पूरे दिल के साथ प्रयास करने की ज़रूरत है। जिस बच्चों हमें एक नया कुछ करने के लिए एक नए दिन की आवश्यकता नहीं है, जिससे मान लीजिए आप चाहते हैं कि हम फर्स्ट आए, अव्वल आए, हम डिस्ट्रिक्ट में टॉप करें, तो उसके लिए आपको ये नहीं है कि एक नया दिन या एक नया हमें कोई जागरूक करेगा, ऐसा कुछ नहीं, उसके लिए कोई चमत्कार करेगा ऐसा नहीं, वो आपके अंदर है ना इच्छा आना है, हमें पूरे दिल के साथ एक प्रयास करने के लिए अपने अंदर एक डीप डिज़ायर आना है, यानी एक गहरी इच्छा आनी है, एक गहरा प्रयास करने के लिए अपने अंदर क्या आपको उत्साह लाना पड़ेगा, तब जा कर के आप क्या करने पाएंगे, उस अचीवमेंट को प्राप्त करने पाएंगे। आप ज़रूर देखेंगे कि उस सफलता को आप प्राप्त करेंगे, आप डिस्ट्रिक्ट में टॉप करेंगे, जब आपके अंदर एक डीप डिज़ायर होगा, गहरी इच्छा होगी कि नहीं हमें फर्स्ट आना है, हमें अव्वल करना है, हमें टॉप करना है, डिस्ट्रिक्ट में हमारा नाम आना है, जब आप ये सोच के पढ़ाई करेंगे तो निश्चय आपको कोई नहीं रोक सकता, और आप प्रयास करते जाएंगे और एक दिन सफलता को प्राप्त करेंगे। तो ये हमें चैप्टर हमें सिखाता है कि हमें कल के लिए या हमें एक नए शुरुआत करने के लिए हमें अलग दिन की आवश्यकता हमें ज़रूरत नहीं, जो आज का दिन आपको मिला है, जो आज का समय है, जो इसी समय से आपको क्या करना है, एक अपने अंदर गहरी प्रयास करने की अपने अंदर एक सोच लानी है, और उस पे आपको अपना कार्यरत होना है। आप हर दिन उस चीज़ को सोचते हुए जब आप प्रयास करेंगे, लगातार आप पढ़ते रहेंगे, तो निश्चय है कि आप अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। तो प्रिय बच्चों, आपने समझा कि ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है, हमें कुछ नया करने के लिए, एक नया कुछ पाने के लिए हमें एक नए दिन की आवश्यकता, अलग से हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे अंदर ओनली डीप डिज़ायर होना है और अपने कार्य को प्रयास करते रहना, निश्चय आप क्या पाएंगे, सफलता को पाएंगे। पोएम का सेकेंड स्टेंजा देखेंगे, सबसे पहले इसका हम वर्ड मीनिंग, जो कठिन वर्ड है उनके वर्ड मीनिंग को सीखेंगे। तो पहला हम देखते हैं बेटर, बेटर मीन्स होता है बेहतर, ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, फॉर गिविंग मीन्स होता है क्षमा करना या माफ़ करना, सनशाइन मीन्स होता है धूप, और गिव अप मीन्स होता है छोड़ना या त्यागना, और डिस्पेयर मीन्स होता है निराशा, और होप मीन्स होता है आशा, और स्टार्टिंग अ न्यू मीन्स होता है नई शुरुआत। अब इसका हिंदी हम देखेंगे मेरे प्रियो, लिखा हुआ है, टू लाइव अ लिटिल बेटर एंड टू बी ऑलवेज फॉर गिविंग एंड
ऐड अ लिटिल सनशाइन टू द वर्ल्ड इन विच वी आर लिविंग। ओके, हिंदी जैसे कि हमें अपने जीवन को बेहतर बनाने और हमेशा दूसरों को क्षमा करते रहना और जिस संसार में हम रहते हैं उसे और प्रकाशमान बनने के लिए एक नई शुरुआत करनी है। ओके, और फिर नीचे लिखा नेक्स्ट में, सो नेवर गिव अप इन डिसपेयर एंड थिंक यू आर थ्रू फॉर देयर्स ऑलवेज अ टुमारो एंड द होप ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू। मीन्स इसकी हिंदी जैसे बनेगी, इसलिए कभी निराशा होकर हार मत मानो और नया ही यह सोचो कि अब कुछ नहीं बचा है, क्योंकि एक नई शुरुआत करने के लिए एक आने वाला कॉल और सफलता की आशा सदैव आपके सामने रहती है। मीन्स आपके या हमारे साथ रहती है, सामने रहती है। ठीक है, ये इसका हिंदी है। प्रिय बच्चों, हमने फर्स्ट स्टेंजा में देखा कि एक नए शुरुआत के लिए हमें कल की इंतज़ार नहीं करना है, लेकिन सेकंड स्टेंजा हमें ये सिखाता है कि हमें दूसरों को क्षमा करना चाहिए। अगर इस संसार में हमें प्रकाशमान होना है, एक नई शुरुआत करनी है, तो हमें दूसरे को क्षमा करते हुए जब हम जाते हैं तो हमारा कोई बैरी भी नहीं होगा, हमारा दुश्मन नहीं होगा, हम अपने दुश्मनों को माफ़ करना है। ये हमें सेकेंड स्टेंजा बताता है, अपने बैरी को माफ़ करना है। अगर मान लीजिए आप क्लास में हैं तो आपका क्लासमेट आपके साथ कुछ भी ऐसा कर दिया या आपको मार ही दिया थोड़ा, तो हमें माफ़ करना है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें पलट करके उसे मारना है, इससे हमारी लड़ाई होती है और दूसरे में क्या हो जाती है, अनबन हो जाती है। और फिर आपको जब कभी ऐसा हेल्प चाहिए आपका फ्रेंड से तो नहीं करेगा, इसलिए हमें माफ़ करना चाहिए। एक नए शुरुआत के लिए हमें मिलजुल करके ही रहना चाहिए। फिर कभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए, कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि नई शुरुआत करने की नहीं है, ऐसा नहीं है। आने वाला कल भी हमारे साथ है और आज का जो दिन है वो भी हमारे साथ है। इस स्टेंजा हमें एक ही चीज़ सिखाता है कि हमें सफलता पाने के लिए दूसरों को माफ़ करना है और अपना एक लक्ष्य रखना है, तो ज़रूर हम अब क्या पाएंगे, एक अपनी सफलता को पाएंगे। आज और कल सदैव हमारे साथ है, हमारे पास रहता है बच्चों, और उसमें हमें मेहनत करना है ताकि हम सफलता को पाए। ओके, आपका MCQ विथ आंसर है, आप इसे सीखें, याद करें। गॉड ब्लेस यू।